बच्चा था। वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। सभी उसका मजाक उड़ाया करते कि उसे तो कुछ याद ही नहीं होता। उसके गुरुजन भी कहते कि अरे तू कुछ और कर, तुझसे ये पढ़ाई लिखाई होगी नहीं। वह बच्चा बहुत ही रुआंसा हुआ। गुरुजी ने कहा अरे जा, तेरे हाथ में तो पढ़ाई की विद्या की रेखा ही नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। वो बच्चा घर गया, वो बहुत रोया। और दूसरे दिन जब वो आया तो उसकी आंखों में एक चमक थी। लोगों ने देखा कि उसके हाथों से खून बह रहा था। पूछा ये क्या हो गया तुझे? उसने कहा कि गुरुजी मैंने अपने हाथों में खुद ही रेखा बना लिया है और अब मैं पढ़ाई अर्जन करूँगा, मेहनत करूँगा। और वो कोई नहीं बल्कि संस्कृत के महान विद्वान और व्याकरणाचार्य पाणिनि जी थे। थैंक यू।